हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता सरस्वती फ्रॉम CMJ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास वन का चैप्टर टू पढ़ाने जा रही हूँ। जीके दिया है से चीज, यानी यहाँ दिया है जिमी जिराफ इज क्लिकिंग द पिक्चर ऑफ हिज फ्रेंड्स रॉकीज फैमिली। जिमी जिराफ अपने दोस्त रॉकी का फैमिली पिक्चर लेने का। आइडेंटिफाई देम एंड राइट द करेक्ट लेटर इन ईच सर्कल। यहाँ पे कुछ जिमी जिराफ अपने दोस्त रॉकी का फोटोग्राफ लेने, फैमिली फोटोग्राफ लेने गया है, जो इसमें अल्फाबेटिकल दिया हुआ है, उसे सर्कल किया हुआ है। उसके फैमिली मेंबर को पहचान के उसका लेटर लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे मैं यहाँ कॉपी पे लिखी हूँ, जिसे आप देख कर लिखेंगे। पहला दिया है रॉकीज ग्रैंडफादर इज वियरिंग ग्लासेज। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं रॉकीज के ग्रैंडफादर ग्लासेस पहने हुए हैं। तो ये कौन से लेटर है? डी है, तो इसमें हम डी लेंगे। सेकंड है रॉकीज ग्रैंडमदर स्टिक्स ए बिग बिंदी। रॉकी की दादी माँ, यहाँ पे देखिए सी नंबर में रॉकी की दादी माँ एक बड़ी सी बिंदी चिपकाई हैं। सो इसमें हम कौन सा लेटर भरेंगे? सी नंबर। सो यहाँ मैंने यहाँ सी लिखा है, आप भी अपने कॉपी में लिख लेंगे। थर्ड नंबर है रॉकीज फादर हैज मुस्टैज, मतलब रॉकी के पिता की एक मूछ है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ फादर बैठे उनकी मूछे हैं, यानी ई लेटर है उसमें। रॉकीज मदर हैज शॉर्ट हेयर, रॉकी की मदर के बाल छोटे हैं। तो कौन सा नंबर है? बी नंबर है इसमें। आप देखिए मैंने यहाँ बी नंबर है, आप भी अपने कॉपी में बी नंबर नोट कर लेंगे। अगर आप लोग के पास बुक है तो वो बुक देखिए, आप बुक में भी भर सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो ऐसे ही आप याद कर लेंगे। रॉकी सिस्टर इज केयरिंग ए डॉल विथ हर, रॉकी की बहन हाथ में एक डॉल यानी गुड़िया ली है, यानी वो ए नंबर में है। तो स्टूडेंट्स, आप इधर बुक में देख सकते हैं जो भी पिक्चर है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो जो पिक्चर्स में बताए हैं उसे मैंने भर दिया है। इसे आप देख के अपने नोटबुक में बनाएंगे। अगर आपके पास बुक है तो ये बुक में से देख देख के। ग्रैंडफादर चश्मा पहने हैं तो डी लगेगा। ग्रैंड मदर बड़ी सी बिंदी चिपकाई हैं तो इसमें सी भरेंगे। फादर्स को मूछे हैं तो यहाँ फादर में ई भरेंगे। मदर के बाल छोटे हैं तो इसमें बी लगाएंगे। और सिस्टर ने एक छोटी एक डॉल रखी है हाथ में तो ये ए हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नोट्स है। द एल्डेस्ट पर्सन इज द फैमिली इज कॉल्ड द हेड ऑफ द फैमिली। जो घर में जो सबसे बड़ा होता है फैमिली मेंबर में, वह हमारा हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, मुखिया होता है। तो हु इज़ द हेड ऑफ़ फैमिली, हेड ऑफ़ योर फैमिली। आपके घर में हेड ऑफ़ फैमिली कौन है, इस कॉलम में आप उसे भरेंगे। अक्सर सबकी फैमिली में ग्रैंडफादर ही हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। तो आप भी इसमें ग्रैंडफादर भरेंगे या जो भी आपके घर में हेड ऑफ़ फैमिली है उसे आप भरेंगे और इसे याद करेंगे।